सबसे पहला बैरियर है वो है लोग खुद जब किसी का मन उदास होता है तो सबसे पहले वो जाता है अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ये दूसरा बैरियर होता है उसके बाद तीसरा बैरियर आता है परेशान होकर अपने जनरल फिजिशियन के पास चले गए तो वो भी एक दो दवाई लिख देता है और वो भी ये बोलता है कि बेटा आप थोड़ा ना अपना लाइफ में चेंज करो वो होते हैं यूट्यूब पर सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर उन्होंने रिसर्च नहीं की और उनकी फैन फॉलोइंग भी काफ़ी है और लोग उनको सुनते हैं और खुश भी होते हैं नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिप्रेशन जो कि एक गंभीर बीमारी है उसके इलाज में कौन सी कौन सी बाधाएं आती हैं जिसकी वजह से ये बीमारी इतनी कॉमन होने के बावजूद गंभीर होने के बावजूद लोग इसका इलाज कराने में हिचकिचाते हैं तो जो सबसे पहला बैरियर है वो है लोग खुद जिसको डिप्रेशन होता है वो कहीं ना कहीं ये मान लेता है कि मैं वीक हूँ या मैं मानसिक तौर पे कमज़ोर हूँ या जो है फिज़िकली मेरे में कोई कमी है जिसकी वजह से मुझे डिप्रेशन हुआ है वो ये नहीं समझ पाता कि कोई भी अपनी चॉइस से डिप्रेशन में नहीं जाना चाहता जैसे हम नहीं चाहते हमें जुकाम हो लेकिन हमें जुकाम हो जाता है हम नहीं चाहते कि हमें ब्लड प्रेशर या शुगर हो लेकिन फिर भी वो हो जाती है कई लोग जो पतले होते हैं हेल्थ लाइफ स्टाइल को मेंटेन करते हैं उनको भी हो जाती है तो इसलिए डिप्रेशन उनको भी हो सकता है जिनकी ज़िंदगी में कोई तनाव हो और उनको भी हो सकता है जिनकी ज़िंदगी में कोई तनाव ना हो तो हमें अपने आप को बिल्कुल मेंटली वीक नहीं समझना चाहिए क्योंकि आपके पास चॉइस नहीं है आपने जानबूझ के डिप्रेशन को पैदा नहीं किया ये हो गया है अब ये हो गया है तो आपको एक प्रोफेशनल के पास जाके अपना इलाज कराना चाहिए अब होता क्या है कि जब किसी का मन उदास होता है तो सबसे पहले वो जाता है अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ये दूसरा बैरियर होता है उसके दोस्त उसको बताते हैं कि आपको ना पॉजिटिव सोचना चाहिए हेल्दी खाना खाना चाहिए सुबह सैर करनी चाहिए योगा करना चाहिए मेडिटेशन करनी चाहिए फिर जो है आपका मन ठीक हो जाएगा अब आप इस तरह से समझिए कि जैसे कोई गाड़ी है वो चल रही है उसकी हैंड ब्रेक लगी हुई है तो आप रेस भी देंगे तो वो उतनी तेज़ तो नहीं चल पाएगी जितनी चल सकती थी तो इंसान अगर वॉक करने की कोशिश भी करता है अंदर से काम करने की कोशिश भी करता है चाहे ऑफिस का काम हो किचन में जाके खाना बनाना हो बच्चे ने पढ़ाई करनी हो तो वो चाह कर भी नहीं कर पाते जिससे बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है क्योंकि तो आपके ही प्यार करने वाले लोग ये समझा रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए और आपको भी कहीं ना कहीं पता है कि बिल्कुल अच्छा समझा रहे हैं और बहुत अच्छे सोच के बता रहे हैं तो वो अपनी तरफ से काउंसलिंग भी कर रहे हैं घंटों बातें कर रहे हैं बट मरीज़ को फ़ायदा नहीं हो पा रहा इसकी वजह से जो है और नेगेटिव थॉट्स आते हैं अपने आप को लेके उसके बाद तीसरा बैरियर आता है कि वो चलो रोध होकर अपने परेशान होकर अपने जनरल फिजिशियन के पास चले गए वो डॉक्टर जिनको वो अक्सर दिखाते हैं और उसके पास वो इलाज के लिए चले गए क्योंकि साकेट्रिस्ट के पास जाना तो अच्छी बात नहीं है बल्कि उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा आज कि सकेट्रिस्ट क्या सोचता है जब वो पेशेंट को देखता है और पहली बार में क्या उम्मीद करनी चाहिए तो दोस्तों क्या होता है जब वो अपने फ़ैमिली वजिशन के पास जाते हैं तो वो दो मिनट उनकी बात सुनते हैं और वो समझते हैं कि हाँ मन तो उदास है सभी का मन उदास होता है बट डिप्रेशन में एक ख़ास बात होती है क्योंकि डिटेल हिस्ट्री लेनी होती है कि मन जो उदास है लगभग पूरा दिन रहना चाहिए और हो सकता है कुछ मिनटों के लिए थोड़ा मूड ठीक भी हो जाए बट लगभग पूरा दिन मन उदास रहता है और ऐसा कम से कम दो हफ्ते तक होना चाहिए और उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है नौ लक्षण है जिसमें से पाँच होने चाहिए उसमें से भी दो खास लक्षण है जिसमें से एक होना चाहिए उसके लिए आप एक डेडिकेटेड डिप्रेशन का वीडियो देख सकते हैं अब इस जानकारी की जो कमी होती है फिजिशियन के पास तो वो भी एक दो दवाई लिख देता है और वो भी यही बोलता है कि बेटा आप थोड़ा ना अपना लाइफ में चेंज करो कुछ कॉमेडी वाले सीरियल्स देखो कपिल शर्मा का शो देखो तो फिर अब क्या होता है इंसान के पास आता है चौथा बैरियर वो होते हैं यूट्यूब पे सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स मैंने काफ़ी लोगों के वीडियोस देखे मैं उनके नाम तो नहीं लेना चाहूँगा बट मैं हाँ ये बोलना चाहूँगा कि उन्होंने रिसर्च नहीं की और उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी काफ़ी है और लोग उनको सुनते हैं और खुश भी होते हैं अब खुश कौन लोग होते हैं वो नहीं जो डिप्रेस होते हैं वो लोग जिनको कभी कभार मूड ख़राब हो जाता है मेरा भी मूड कभी कभार खराब हो जाता है दो घंटे के लिए मेरा मन उदास रहा उसके बाद मैंने अपनी बेटी से बात की मेरा मन खुश हो गया दो घंटे के लिए किसी वजह से मेरा मन परेशान रहा या आपका मन परेशान रहा आपके किसी दोस्त ने फ़ोन किया आपने बात की आपका मन खुश हो गया आपने कोई मूवी देखी आपका मूड चेंज हो गया तो ये डिप्रेशन नहीं है अब वो मोटिवेशनल स्पीकर क्या बोलते हैं सब कुछ आपकी सोच में है अगर आप अपनी सोच बदलेंगे ये कर देंगे वो कर देंगे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा अब क्या होता है उसका इफेक्ट भी पड़ता है जैसे एनर्जी आ गई एक तरह से बट वो एनर्जी पंद्रह बीस मिनट के बाद या दो तीन दिन में दो तीन दिन के बाद फिर वो ख़त्म हो जाती है क्योंकि इंसान के जो न्यूरोकेमिकली जो है उसके जो दिमाग की के केमिस्ट्री है वो चेंज हो चुकी है जो केमिकल उसे खुश रखते हैं सरोटिन और डोपामिन उनकी मात्रा कम हो गई है बिना किसी बात के सीज़न की वजह से या ज़िंदगी में बहुत बड़ी स्ट्रेस की वजह से या लगातार एक के बाद एक टेंशनों की वजह से जैसे आजकल कोरोना का समय है तो शुरू में कोरोना का डर फिर उसके बाद काम का डर फिर उसके बाद काम पे नौकरी रहेगी नहीं उसका डर फिर उसके बाद पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे तो जो लोग प्रोन हैं जिनको मूड डिसऑर्डर होना है जिनको डिप्रेशन होना है उनके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से अब मैं उतना पॉपुलर तो नहीं है जितने सो गोल्ड मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं तो मैं ये तीन चार चीज़ें साफ साफ रखना चाहूँगा पहली बात ये कि अगर आपको उदासी होती है तो आपकी इसमें कोई गलती नहीं है आप बिल्कुल वीक नहीं है जैसे जुकाम होता है वैसे ही डिप्रेशन होता है पहली बात दूसरी बात माँ बाप जो है वो ख्याल रख रहे होते हैं अपने भाई बहन जो हैं वो अपनी तरफ से पॉजिटिव बात कर रहे होते हैं कई बार घर वाले ये कहते हैं काउंसलर क्या करेगा साइकोलॉजिस्ट क्या करेगा साइकोलॉजी साइकैट्रिस्ट क्या करेगा इससे अच्छे राय तो हम ही दे देंगे तो एक प्रोफेशनल तरीका होता है राय देने का वो अलग होता है तो वो बोल तो अच्छे मन से रहे होते हैं अच्छी इंटेंशन से बट उसका रिज़ल्ट नहीं आ पाएगा किसी को जेन्यन डिप्रेशन है जिसको क्लिनिकल डिप्रेशन बोलेंगे उसके बाद तीसरी बात यह है कि फिजिशन की जानकारी की कमी होती है अगर उनको भी जानकारी होगी डिप्रेशन के बारे में जो हम कोशिश कर रहे हैं और और भी काफ़ी लोग हैं यूट्यूब पे डॉक्टर प्रदीप सॉरी डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी हैं जिनके काफ़ी अच्छे वीडियोस हैं डिप्रेशन पे आप वो भी देख सकते हैं तो इसलिए ये जो बीमारी है दोस्तों इसका इलाज कराना ज़रूरी है आपको जो भी प्रोफेशनल पसंद आता है जो भी डॉक्टर आपको अच्छा लगता है जो आपके नज़दीक में है आजकल तो ऑनलाइन भी आप दिखा सकते हैं आप मुझे दिखाना चाहते हैं किसी और को दिखाना चाहते हैं आप किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहते हैं आप दिखाइए आप प्रोफेशनली एक राय लीजिए उसमें कोई बुराई नहीं है और उससे आप का जो है मन अच्छा हो जाएगा और दूसरी बात है आप वही क्वालिटी ऑफ लाइफ जी पाएंगे जिसके आप हकदार हैं क्योंकि डिप्रेशन में ख़ास बात यह है कि अपने आप भी ठीक हो जाता है चाहे इलाज ना भी करवाएं बट उसको ठीक करने में ठीक होने में सॉरी छः महीने से तेरह महीने का समय लग सकता है जो कि बहुत ज़्यादा है अगर आप दवा लेंगे या काउंसलिंग कराएंगे तो यही इलाज जो है वो एक या दो महीने में हो जाएगा और आप खुद भी समझिए कि अगर आप जॉब करते हैं आप पढ़ते हैं या घर पे भी काम करते हैं तो अगर एक साल के लिए आप काम ही नहीं कर पाएंगे वैसे जैसे आप करते थे तो घर में भी इज्जत कम हो जाएगी जॉब भी संभालनी मुश्किल हो जाएगी पढ़ाई में भी दिक्कत आएगी तो जिस चीज़ का इलाज है जो कि बहुत कॉमन है जो कि गंभीर है जिसमें सुसाइड तक के विचार आ सकते हैं उसके इलाज में किसी बैरियर को नहीं रखना चाहिए एक प्रोफेशनल की राय ज़रूर लेनी चाहिए जो आपके नज़दीक में हो जिसे आप पसंद करें और ऑनलाइन होने की वजह से तो आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं तो आज के लिए दोस्तों इतना ही धन्यवाद